हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना सैवी जॉली। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नई वर्कआउट वीडियो लेके। गाइस, मैंने यूट्यूब पे होम वर्कआउट सीरीज स्टार्ट करी थी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू। अगर आपने मेरी होम वर्कआउट सीरीज नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल रहा हूं, प्लेलिस्ट को जरूर देखना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थाई के बारे में। गाइस, मोस्टली लोग थाई को अवॉइड करते हैं करने से, उनको लगता है यार पैर दुखेंगे, ये दुखेंगे, डरते हैं लोग थाई मारने से। थाई पर सबको मारने चाहिए, मोस्टली लोग सैटरडे को थाई मारते हैं, बट सैटरडे को जिम खाली होते हैं, करते नहीं है, कोई आता ही नहीं है, थाई से डरते हैं लोग। तो गाइस, थाई को थाई से बिल्कुल ना डरे, थाई जरूर करें। जब तक हमारी लोअर बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी, अपर कैसे बिल्ड होगी? और अगर हम थाई मारेंगे, हमारा पेट पे भी फैट है वो भी कम होगा थाई मारने से, स्क्वाट मारने से, स्क्वाट मारने से, वो मैं आपको वर्कआउट में बताऊंगा। तो थाई को बिल्कुल अवॉइड ना करें। तो आज की वीडियो में आपको टॉप 6 एक्सरसाइज बताऊंगा थाई के बारे में, जो कि आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आपको मजा जरूर आएगा वर्कआउट करने में और आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। Let's start our workout guys, आज हम थाई मारेंगे। Guys, पहली एक्सरसाइज थाई में हम करेंगे फ्री स्क्वाट मारेंगे, जो कि मैं आपको करके बताता हूँ। इसके 16 से 20 रेप्स निकाले आप, ठीक है? आज हम फ्री स्क्वाट मारते हैं। पैर को ज्यादा वाइड नहीं करना, ऐसे रखना नॉर्मल। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इससे आपका पेट का फैट भी कम होगा, थाई भी तगड़ी बिल्ड होगी। इसके आपके 16 से 20 रेप्स निकालने, ठीक है गाइस? पहली एक्सरसाइज ये है थाई की। अब हम थाई की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, वो करेंगे वेटेड स्क्वाट करेंगे, जो कि मैं आपको डंबल से करके बता रहा हूँ। होम वर्कआउट सीरीज चल रही है तो दो ही चीज़ों से हम कर रहे हैं, रजिस्टर बैंड या डंबल। तो मैं डंबल से आपको करके बता रहा हूँ वेटेड स्क्वाट्स मारेंगे। जैसे हमने फ्री स्क्वाट्स मारे थे, या सेंटर में डंबल पकड़ लेना हमें, ठीक है गाइस? पोजीशन वही सेम रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसके हमें 12 से 16 रेप्स निकालने, क्योंकि ये वेटेड स्क्वाट्स है। हर एक्सरसाइज के हम 4 सेट्स मारेंगे, ठीक है? अब हम थर्ड एक्सरसाइज थाई की करेंगे, डंबल लंजेस मारेंगे, जो कि मैं आपको दो डंबल से करके बताऊंगा। दो डंबल ले लेने हमें, वेट अपने अनुसार रखना है हमें, एक पैर आगे एक पैर पीछे। एक साइड होगी, दूसरी साइड। ये थी डंबल लंजेस मारे हमने थाई की, ठीक है गाइस? थर्ड एक्सरसाइज थी डंबल लंजेस। हम थाई की फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे, जो कि ब्लास्टिंग इनर थाई के लिए होगी। वो हम करेंगे सुमो स्क्वाट मारेंगे गाइस। इसके लिए एक डंबल चाहिए आपको, मैं करके बता रहा हूँ, एक डंबल से ही करनी है एक्सरसाइज हमें। डंबल को हमें ऐसे रख लेना, पैर को ऐसे उतरना रख लेना, ठीक है? अब लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये थी थाई की, इनर थाई की एक्सरसाइज थी, और आउटर पर भी असर आएगा। सुमो स्क्वाट मारी हमने, एक डंबल से करिए गाइस ये। अब हम थाई की फिफ्थ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वो हम करेंगे स्टिफ आर्म डेडलिफ्ट मारेंगे। डेडलिफ्ट वाली फॉर्म में मारना है, बट स्टिफ रहना है, मैं आपको करके बताता हूँ। दो डंबल चाहिए इसके लिए हमें। पैरों को क्लोज रखना है, चेस्ट अप, कोर टाइट, नी बेंड कम से कम करनी है, ऐसे करना है।
इससे हमारी कोर पे भी इफेक्ट आएगा और हैमस्ट्रिंग पे भी आएगा। ये थी थाई के स्टिफ आर्म डेडलिफ्ट मारी हमने, दो डंबल्स मारी जिससे हमारे कोर पे भी इफेक्ट आया और हैमस्ट्रिंग पे मेनली आया। ठीक है गाइस, अब हम थाई की लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, सिक्स एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज है। इसको बिल्कुल स्किप ना करें, ये छोटी मसल है बट इसका इफेक्ट पूरा आता है। काफ प्रेस करने जा रहे हैं, अगर वेटेड काफ प्रेस करने जा रहे हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। अगर आपसे वेटेड नहीं होते तो आप फ्री काफ प्रेस भी कर सकते हैं, ऐसे फ्री में आपको ज्यादा रैप्स निकालने पड़ेंगे। अब मैं आपको वेटेड काफ प्रेस बताने लगा हूं, यहाँ बैठ के करेंगे हम। चेयर पे नॉर्मल बैठ जाना है, डंबल को ऊपर रखना, अपने ऊपर वेट रखना और ऐसे खींचना, काफ मसल रहेगा। काफ प्रेस कर रहे हैं, वेटेड काफ प्रेस। इसमें पूरी काफ मसल पे इफेक्ट आएगा, वेट अपने अनुसार आप सेट कर लेना, जितना आपको ज़्यादा करना है कम करना या फ्री स्क्वाट करना है फ्री करना है आपको। मैं तो ये वेटेड करने के बाद फ्री वाले करता हूँ, उसके बाद वो इफेक्ट आता है आप मसल पे पूरा। ये थी थाई की लास्ट एक्सरसाइज काफ रेस हमारी, हमने वेटेड काफ रेस बताया आपको कि कैसे आप होम वर्कआउट सीरीज में ये कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ये वर्कआउट आप कर सकते हैं, आपको खाली दो डंबल चाहिए इसके लिए। ये थी आज की वर्कआउट वीडियो, टॉप सिक्स एक्सरसाइज थाई के बारे में बताई। अगर आपको मेरी वर्कआउट वीडियो पसंद आई, वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलना, और मेरे चैनल अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के शेयर करें जो इस टॉपिक के फिटनेस फ्रीक्स है, उनको शेयर करें मेरे चैनल। ठीक है, अगर आप मेरे से पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। इनमें से कौन सी एक्सरसाइज आपको बेस्ट लगी मेरे को जरूर कमेंट में बताएं, और किस टॉपिक के बारे में वीडियो लेके आओ कमेंट में बताएं, मैं जरूर कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो लाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय गाइस, लव यू।